जी, यज्ञ आग्रह की परंपरा है। ओके जी, क्या बता रहे थे जीतू भाई? ये एक ऐसी यज्ञ की गेट है। हाँ, ये जो हो रहा है राजस्व यज्ञ। ओके, जो कर रहे हैं वो है दादाश्री। अच्छा, दादाश्री का ड्रीम ये है कि हर घर यज्ञ, घर घर यज्ञ। अच्छा, तो घर घर यज्ञ करने के लिए एक मैसेज लोगों को देना है तो कैसे दे, तो इसीलिए हम लोगों तक ये किट पहुंचाते हैं। ओके, यज्ञ की किट। यस, इसमें 5 से 7 दिन आप यज्ञ कर सके उतनी संविधा, और ये सब ये जो भस्म है इसमें। हाँ, ये खास बात मैं आपको बताऊंगा, अश्वमेध यज्ञ किया था दादाश्री ने। यस, तो अश्वमेध यज्ञ की भस्म इसमें है, तो अच्छा। जिसका हम अपने भाल पे तिलक करें तो वाइब्रेशन हम फील कर सकते हैं। बाद में ये गंगा जल, कुमकुम, चंदन, अक्षत, कपूर, ये सब मिला के 24 आइटम इसमें हमने रखे हुए हैं। ये जो नेपाल की माला भी है इसमें रुद्राक्ष की। बराबर, तो कुछ भी ऐसा मतलब आपको जो यज्ञ के लिए बेसिक जो चाहिए वो सब इसमें दिया हुआ है। यस यस यस, एकदम सुपर। इसमें भी गौ का घी, ये गाय का कनेक्शन इसमें भी है। हाँ, एकदम सही। ये सामान्य इंसान को कहाँ से अवेलेबल होगा? ये दादाश्री का जो यज्ञ फाउंडेशन है। हाँ, वलसार के पास में। अच्छा, वहाँ पे अभी रहता है, पर अभी लोगों को जब ये राजस्व यज्ञ के बाद सबको मिलेगा। अच्छा, तब तक हम इसे जो भी लोग राजस्व यज्ञ में प्रतिभागी बन रहे हैं। हाँ हाँ, उनके लिए ये बनाया गया है। बहुत बढ़िया, एकदम। ये दादाश्री है, यज्ञ मूर्ति दादाश्री। यस, हम लोगों ने मानसरोवर यात्रा हमारे नसीब में एक बार नहीं होती, इन्होंने 19 बार की है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। 19 बार मानसरोवर यात्रा अपने आप में एक बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा, थैंक यू ऐसी अच्छी जानकारी देने के लिए।